हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल गाइडलाइंस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू इम्यूनोग्लोबुलिन और एंटीबॉडीज़। सो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ इम्यूनोग्लोबुलिन और एंटीबॉडीज़ स्ट्रक्चर एंड देयर टाइप्स। सो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जा करके देख सकते हो। इसलिए आप उस वीडियो को देख लो, देन उसके बाद जब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो आप अपना सेल्फ इवेल्युएशन कर सकते हो कि आपको कितना समझ में आया, आपको कितना लर्न है और इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले क्विक रिव्यू कर लेते हैं और कंपैरिजन कर लेते हैं सारी एंटीबॉडीज़ के बीच में। सो बेसिकली फाइव टाइप्स की एंटीबॉडीज़ होती हैं, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, प्लस इनको लर्न करने की ट्रिक भी बताई थी। गाम डी, दैट मीन्स IgG एंटीबॉडी, IgA एंटीबॉडी, IgM एंटीबॉडी, IgD एंटीबॉडी, IgE एंटीबॉडी। सो सारी एंटीबॉडीज़ के नेम का जो ऑरिजिन है वो प्रेजेंस ऑफ हैवी चेन के अकॉर्डिंग किया गया है। IgG एंटीबॉडी में कौन सी चेन प्रेजेंट होती है? गामा चेन, G फॉर गामा चेन, A फॉर अल्फा चेन, एम फॉर म्यू चेन, डी फॉर डेल्टा चेन, ई फॉर एप्सिलॉन चेन। स्ट्रक्चर में मोस्टली एंटीबॉडीज मोनोमेरिक होती हैं, एक्सेप्ट IgA एंड IgM। जो IgA एंटीबॉडी है वो डाइमेरिक कंपाउंड्स होते हैं, जो IgM एंटीबॉडी है वो पेंटामेरिक कंपाउंड्स होते हैं। मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो जो IgG एंटीबॉडी होती है वो उसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होता है, 1,50,000, और जो IgM एंटीबॉडी होती है उसका वेट सबसे ज़्यादा होता है, 9,00,000। करें सीरम कंसंट्रेशन की तो IgG एंटीबॉडी जो होती है वो बॉडी में सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है, 75-80%। सबसे कम अमाउंट में IgE एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, दैट इज़ 0.5%। फंक्शंस की बात करें तो IgM एंटीबॉडी एक्यूट इलनेस में वर्क करती है, फर्स्ट रिस्पॉन्स प्राइमरी रिस्पॉन्स शो करती है। IgG एंटीबॉडी क्रॉनिक इलनेस में वर्क करती है और सेकेंडरी रिस्पॉन्स शो करती है IgM के बाद। IgA एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है हमारे बॉडी में जितने भी सेक्रेशंस होते हैं वहाँ पे, और प्रोटेक्ट करती है हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन को। IgD, सो आप डी से याद रखिएगा कि डी फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स में हेल्प करती है। IgE से याद रखिएगा रिलेटेड टू एलर्जी, सो इट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम एलर्जी। नेक्स्ट बात करते हैं क्रॉस प्लेसेंटा, मीन्स कौन सी एंटीबॉडी ऐसी है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। सो एक ही एंटीबॉडी ऐसी है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस करती है, वो है IgG एंटीबॉडी। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन में कौन सी एंटीबॉडी हेल्प करती है? सो IgG एंटीबॉडी एंड IgM एंटीबॉडी। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू इम्यूनोग्लोबुलिन। क्वेश्चन नंबर 1, एंटीबॉडीज आर, मींस एंटीबॉडीज क्या है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी ग्लाइकोप्रोटीन, ऑप्शन सी न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन डी प्रोटीन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ग्लाइकोप्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 2, एंटीबॉडीज कंसिस्ट ऑफ, मींस एंटीबॉडीज और इम्यूनोग्लोबुलिन्स किन से मिलकर के बनी हुई होती हैं? सो ऑप्शन ए 2 हैवी चेन एंड 2 लाइट चेन, ऑप्शन बी 1 हैवी चेन एंड 1 लाइट चेन, ऑप्शन सी 2 हैवी चेन एंड 1 लाइट चेन, ऑप्शन डी 1 हैवी चेन एंड 2 लाइट चेन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 2 हैवी चेन एंड 2 लाइट चेन। क्वेश्चन नंबर 3, द एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑन एन एंटीबॉडी इज कॉल्ड, मींस एंटीबॉडी में जो एंटीजन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है टिप पार्ट पे उसको क्या बोलते हैं? सो ऑप्शन ए एक्सोटोप, ऑप्शन बी एंडोटोप, ऑप्शन सी एपिटोप, ऑप्शन डी पैराटोप। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी पैराटोप। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन प्रेजेंट इन एन एंटीबॉडी, मींस इनमें से कौन सा रीजन एंटीबॉडी में प्रेजेंट होता है? ऑप्शन ए NFAB रीजन एंड NFC रीजन, ऑप्शन बी 2FAB रीजन एंड 2FC रीजन, ऑप्शन सी 2FAB रीजन एंड NFC रीजन, ऑप्शन डी 2FAB रीजन एंड 2FC रीजन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 2FAB रीजन एंड 2FC रीजन। क्वेश्चन नंबर 5, FAB रीजन ऑफ एंटीबॉडी स्टैंड फॉर, मींस एंटीबॉडी में जो FAB रीजन होता है उसका फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग, ऑप्शन बी फ्रेगमेंट एंटीबॉडी बाइंडिंग,
ऑप्शन सी फ्रेगमेंट एंटीजन एंड एंटीबॉडी बाइंडिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, मीन्स बॉडी में कौन सी सेल्स हैं जो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती हैं। ऑप्शन ए बी सेल्स, ऑप्शन बी टी सेल्स, ऑप्शन सी मेमोरी सेल्स, ऑप्शन डी प्लाज्मा सेल्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए बी सेल्स। क्वेश्चन नंबर 7, लाइट चेन एंड हैवी चेन आर जॉइंड बाय विच बॉन्ड, मीन्स लाइट चेन एंड हैवी चेन दोनों को एक दूसरे से जोड़ने का वर्क कौन सा बॉन्ड करता है। सो ऑप्शन ए कार्बन बॉन्ड, ऑप्शन बी डाइसल्फाइड बॉन्ड, ऑप्शन सी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ऑप्शन डी हाइड्रोजन बॉन्ड। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी डाइसल्फाइड बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 8, टाइप्स और क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज आर नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ विच चेन, मीन्स जो एंटीबॉडीज का क्लासिफिकेशन है वो कौन सी चेन के प्रेजेंस के अकॉर्डिंग किया गया है। ऑप्शन ए हैवी चेन, ऑप्शन बी लाइट चेन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए हैवी चेन। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन आर मोनोमेरिक कंपाउंड्स, इनमें से कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन और एंटीबॉडीज मोनोमेरिक कंपाउंड्स हैं। ऑप्शन ए IgD, ऑप्शन बी IgG, ऑप्शन सी IgE, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 10, विच इज द लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन, मीन्स कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन और एंटीबॉडीज लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन है। ऑप्शन ए IgA, ऑप्शन बी IgD, ऑप्शन सी IgG, ऑप्शन डी IgM। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी IgM। क्वेश्चन नंबर 11, विच इज द स्मॉलेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन, मीन्स कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन और एंटीबॉडी स्मॉलेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन है। ऑप्शन ए IgA, ऑप्शन बी IgD, ऑप्शन सी IgG, ऑप्शन डी IgM। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी IgG। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन, मीन्स कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन और एंटीबॉडी सीरम में सबसे ज़्यादा अमाउंट और कंसेंट्रेशन में पाई जाती है। ऑप्शन ए IgA, ऑप्शन बी IgD, ऑप्शन सी IgG, ऑप्शन डी IgM। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी IgG। क्वेश्चन नंबर 13, विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय IgG इम्यूनोग्लोबुलिन, मीन्स IgG इम्यूनोग्लोबुलिन से किस टाइप की इम्यूनिटी मिलती है। सो ऑप्शन ए इनेट इम्यूनिटी, ऑप्शन बी एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ऑप्शन सी एक्टिव इम्यूनिटी, ऑप्शन डी पैसिव इम्यूनिटी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी पैसिव इम्यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 14, इन विच इम्यूनोग्लोबुलिन जे चेन इज प्रेजेंट फॉर ज्वाइनिंग, कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन और एंटीबॉडी में ज्वाइनिंग के लिए जे चेन प्रेजेंट होती है। ऑप्शन ए IgA, ऑप्शन बी IgM, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी IgM। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन नोन एज कोल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन, मीन्स कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन और एंटीबॉडी को कोल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं। ऑप्शन ए IgA, ऑप्शन बी IgD, ऑप्शन सी IgG, ऑप्शन डी IgM। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी IgM। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन नोन एज वॉर्म इम्यूनोग्लोबुलिन, मीन्स कौन से इम्यूनोग्लोबुलिन और एंटीबॉडी को वॉर्म इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं। ऑप्शन ए IgA, ऑप्शन बी IgD, ऑप्शन सी IgG, ऑप्शन डी IgM। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी IgG। क्वेश्चन नंबर 17, विच इम्यूनोग्लोबुलिन वर्क्स इन एक्यूट इन्फेक्शन, मीन्स एक्यूट इन्फेक्शन के टाइम पे कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन और एंटीबॉडी वर्क करती है। ऑप्शन ए IgA, ऑप्शन बी IgD, ऑप्शन सी IgG, ऑप्शन डी IgM। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी IgM। क्वेश्चन नंबर 18,
विच इम्यूनोग्लोबुलिन वर्क्स इन क्रोनिक इन्फेक्शन, मीन्स क्रोनिक इन्फेक्शन के टाइम पे कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन और एंटीबॉडी वर्क करती है? ऑप्शन ए IgA, ऑप्शन बी IgD, ऑप्शन सी IgG, ऑप्शन डी IgM. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी IgG. क्वेश्चन नंबर 19. विच इम्यूनोग्लोबुलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शन, मीन्स बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन के लिए कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन और एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल होती है? ऑप्शन ए IgA, ऑप्शन बी IgE, ऑप्शन सी IgG, ऑप्शन डी IgM. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी IgE. क्वेश्चन नंबर 20. विच इम्यूनोग्लोबुलिन क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर, कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन और एंटीबॉडी प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करती है? ऑप्शन ए IgA, ऑप्शन बी IgD, ऑप्शन सी IgG, ऑप्शन डी IgM. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी IgG. IgG एंटीबॉडी ही एक ऐसी एंटीबॉडी है जो कि प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करती है. क्वेश्चन नंबर 21. IgG इम्यूनोग्लोबुलिन क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर एक्सेप्ट, मींस IgG इम्यूनोग्लोबुलिन प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करती है इसको छोड़ के. ऑप्शन ए IgG1, ऑप्शन बी IgG2, ऑप्शन सी IgG3, ऑप्शन डी IgG4. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी IgG2. IgG ही एक ऐसी एंटीबॉडी है जो कि प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करती है. बट IgG एंटीबॉडी के जो टाइप्स होते हैं, सो उसमें जो IgG2 एंटीबॉडी है वो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस नहीं करती है. क्वेश्चन नंबर 22. विच इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क में कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन और एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है? ऑप्शन ए IgA, ऑप्शन बी IgD, ऑप्शन सी IgG, ऑप्शन डी IgM. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए IgA. क्वेश्चन नंबर 23. विच इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन सलाइवा एंड टीयर्स, ऑप्शन ए IgA, ऑप्शन बी IgD, ऑप्शन सी IgG, ऑप्शन डी IgM. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए IgA. IgA इम्यूनोग्लोबुलिन सलाइवा, टीयर्स, ब्रेस्ट मिल्क, मींस जितने भी बॉडी में सेक्रेशंस होते हैं वहां पे IgA एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है. क्वेश्चन नंबर 24. विच इम्यूनोग्लोबुलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्रेंशिएशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन ए IgA, ऑप्शन बी IgD, ऑप्शन सी IgG, ऑप्शन डी IgM. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी IgD. सो जिस भी एंटीबॉडी में डिफ्रेंशिएशन से रिलेटेड पूछे, दैट मींस IgD एंटीबॉडी, डी फॉर डिफ्रेंशिएशन. क्वेश्चन नंबर 25. विच इम्यूनोग्लोबुलिन कॉजेज मास्ट सेल टू रिलीज हिस्टामिन, मींस कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन मास्ट सेल को स्टिमुलेट करती है ताकि वो रिलीज कर सके हिस्टामिन. ऑप्शन ए IgA, ऑप्शन बी IgD, ऑप्शन सी IgE, ऑप्शन डी IgM. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी IgE. क्वेश्चन नंबर 26. विच इम्यूनोग्लोबुलिन और एंटीबॉडी प्रोड्यूस फॉर द प्राइमरी रिस्पॉन्स ड्यूरिंग COVID-19, मीन्स COVID-19 इन्फेक्शन के टाइम पे प्राइमरी रिस्पॉन्स और फर्स्ट रिस्पॉन्स शो करने के लिए कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है? ऑप्शन ए IgA, ऑप्शन बी IgD, ऑप्शन सी IgM, ऑप्शन डी IgG. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी IgM. क्वेश्चन नंबर 27. विच इम्यूनोग्लोबुलिन और एंटीबॉडी प्रोड्यूस फॉर द सेकेंडरी रिस्पॉन्स ड्यूरिंग COVID-19, COVID-19 इन्फेक्शन के टाइम पे सेकेंडरी रिस्पॉन्स और सेकेंड रिस्पॉन्स शो करने के लिए कौन सी एंटीबॉडी वर्क करती है? ऑप्शन ए IgA, ऑप्शन बी IgD, ऑप्शन सी IgM, ऑप्शन डी IgG. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी IgG. क्वेश्चन नंबर 28. Which immunoglobulin or antibody formed for the primary response after vaccination of COVID-19? Means COVID-19 vaccination के बाद first response के टाइम कौन सी एंटीबॉडी बनती है? ऑप्शन ए IgA, ऑप्शन बी IgD, ऑप्शन सी IgM,
ऑप्शन डी IgD. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी IgM. क्वेश्चन नंबर 29. विच एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबुलिन फॉर्म्ड फॉर द सेकेंडरी रिस्पॉन्स आफ्टर वैक्सीनेशन ऑफ COVID-19. COVID-19 वैक्सीनेशन के बाद सेकेंड रिस्पॉन्स के टाइम पे कौन सी एंटीबॉडी बनती है? ऑप्शन ए IgA, ऑप्शन बी IgD, ऑप्शन सी IgM, ऑप्शन डी IgG. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी IgG. एंटीबॉडीज का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि चाहे वो नेचुरली ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर जाए या फिर आर्टिफिशियली वैक्सीनेशन के थ्रू हमारी बॉडी में जाए, फर्स्ट रिस्पॉन्स शो करने के लिए हमेशा IgM एंटीबॉडी ही वर्क करेगी, सेकेंडरी रिस्पॉन्स शो करने के लिए IgG एंटीबॉडी ही वर्क करेगी. क्वेश्चन नंबर 30. वाई एंटीबॉडीज प्रोड्यूस इन द बॉडी? हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस ही क्यों होती है? ऑप्शन ए टू प्रमोट एन इन्फेक्शन, इलनेस और डिसीज. ऑप्शन बी टू प्रोटेक्ट बॉडी. ऑप्शन सी टू डिस्ट्रॉय बॉडी ओन सेल्स. ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी टू प्रोटेक्ट बॉडी. क्वेश्चन नंबर 31. विच इम्यूनोग्लोबुलिन इज हीट लेबाइल? ऑप्शन ए IgA, ऑप्शन बी IgD, ऑप्शन सी IgE, ऑप्शन डी IgG. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी IgE.